तो अल्लाह ने उसको जरिया बनाया, लिहाजा जो जिस तरह वहां है लोहे महफूज में उस तरह ही कुरान दौर उस्मानी में हजरत उस्मान के दौर में जमा हो गया। अब आपने इसको मसफ़ उस्मानी के लिए तर्जमे आपके मुल्क में मौजूद है जिसमें कहते जी सारे मसलक वाले जमा है, जिसमें आप ये ना शिया भी जमा कर दिए तो बरेलवी देवबंदी जमात इस्लामी वाले सारे मुहक्किकीन तुम्हारे बैठ के फिर एक तर्जमा सरकारी सतह पे तैयार किया जाता है, तो आप उसको एक शख्स के नाम करते हो। सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली के लेटेस्ट बयान सुनने के लिए सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने उसको जरिया बनाया, लिहाजा जो जिस तरह वहां है लोहे महफूज उस तरह ही कुरान दौर उस्मानी में हजरत उस्मान के दौर में जमा हो गया। अब आपने इसको मसफ उस्मानी के लिए तो कमजोरी तो आप लोग दिखा दिए, ये सिर्फ हजरत उस्मान ने जमा किया, सब ने जमा किया 10 रुपए, तो भाई हुकूमती सतह पर हुआ और हुकूमती सतह को दौर कहते हैं, एक शख्स का काम नहीं कहते। आप मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर तर्जमा छापा गया तो हर मकतब फिक्र वाले को बुलाया कि नहीं बुलाया? तर्जमे आपके मुल्क में मौजूद है जिसमें कहते जी सारे मसलक वाले जमा है, जिसमें आप ये ना शिया भी जमा कर दिए तो बरेलवी देवबंदी जमात इस्लामी वाले सारे मुहक्किकीन तुम्हारे बैठ के फिर एक तर्जमा सरकारी सतह पे तैयार किया जाता है, तो आप उसको एक शख्स के नाम करते हो। ये हमारी गलती है कि आप दौर को एक शख्स के लिए कह देते हो। कमजोरियां कहां से आई है? हजरत उस्मान ने जमा, भाई दौरे उस्मानी में जमा हुआ है, दौरे अबू बकर में जमा हुआ है, दौरे हजरत उमर में जमा हुआ है और दौरे अली में नासिख हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं, बस यही जारी आज तक रहेगा कयामत की सुबह तक। कयामत से पहले पहले इसके उरूफ उठा ले जाएंगे, ये अल्लाह ही उठाएगा। समझ आ गई?